सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बेहद संजीदा विषय पर बातचीत करेंगे, वह विषय जो न केवल एक प्रदेश देश बल्कि दुनिया में चर्चा का सबब बन रहा है, हिंदुस्तान में घटित घटनाओं के संदर्भ में। एक ऐसा विषय जो वर्तमान कोरोना काल में दुख तकलीफ पीड़ा पहुँचा रहा है। कोरोना काल के चलते जीवन के तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो हुआ शिक्षा का क्षेत्र। पिछले 2 वर्षों से देश प्रदेश दुनिया की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा की औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी किस तरीके से तैयार हो, ये चिंता का विषय होना चाहिए, सबब बनना चाहिए हमारे दृष्टिकोण को विकसित होने का। कैसे इस क्षति की पूर्ति करें, इस पर हमें विचार करना चाहिए। लेकिन इसके उलट कर्नाटक में किताब को भूल हिजाब पर हम लोग सींग लड़ा रहे हैं। ना केवल हम लड़ा रहे हैं बल्कि हमारे साथ अब पड़ोसी मुल्क अर्थात पाकिस्तान भी इसमें सींग लड़ाने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ विवाद पूरे प्रदेश को आगोश में ले रखा है। हालात ये हैं कि वैसे ही 2 साल से कॉलेज स्कूल बंद चल रहे थे। इस विवाद के चलते सरकार ने 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज में प्रतिबंध लगा दिया कि कोई ना आए। इधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी मामले की 3 सदस्यीय पीठ के द्वारा सुनवाई करते हुए कहा कि सबसे पहले शांति रहनी चाहिए, अभी शांति रखिए, अभी कोई किसी प्रकार की ड्रेस ना पहने, हम सोमवार को सुनवाई करेंगे। इधर तमाम हिंदूवादी संगठन बता रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ों को तो हिंदुस्तान में अब बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। उधर पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक को तलब करके पाक विदेश मंत्रालय बता रहा है कि आपके यहाँ मुसलमानों के साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा, आप अपने तौर तरीकों को ठीक कीजिए। विषय क्या है? विषय ये नहीं है कि कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, विषय इस बात को भी नहीं है कि किसी छात्रों ने किसी लड़की को छेड़छाड़ दी है, विषय ये भी नहीं है कि शिक्षकों ने पढ़ाने के संदर्भ में कोई इंकार कर दिया। विषय ये है कि कुछ लड़कियां कॉलेज में आकर ये चाहती हैं कि उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप मेरे अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने ये विवाद किया, प्रत्युत्तर में हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए। तमाम छात्र भगवा गमछा पहन के या भगवा शॉल ओढ़कर स्कूलों और कॉलेज की ओर रुख करने लगे। हालात ये हो गए कि बुरके पहनकर एक वर्ग आ रहा है, दूसरा शॉल पहनकर आ रहा है, और कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है तो कोई अल्लाहू अकबर कर रहा है। और इन सब के बीच में जो मूल कार्य था पढ़ाई करने का, अध्ययन करने का, अपना भविष्य संवारने का, उसे भूल बाकी सब कुछ करने के लिए तत्पर हो गए। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौर में वाकई हिजाब का विषय इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसके आगे किताब को तवज्जो न दी जाए। वाकई हमारी पीढ़ी इतनी ज़्यादा सुसभ्य सुसंस्कृत हो चुकी है, इतनी ज़्यादा साक्षर हो गई है कि अब उसे बाकी विषयों पर उलझने की जरूरत है, इस विषय पर चिंता करने की जरूरत नहीं कि कितने लोग पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। 5 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा मसले पर कुछ तर्कसंगत बात करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि 2 धर्मों का कभी भी झगड़ा नहीं होता है, सब धर्मों का केवल अधर्म से ही झगड़ा होता है। इतनी कमाल की बात हमारे यहाँ के संत विनोबा भावे के द्वारा कही गई थी। हम इतनी सी बात भी याद नहीं रख पा रहे, और इस प्रकार की बेफिजूल की बातों में उलझकर देश का समाज का तो समय खराब ही कर रहे हैं, दुनिया में अपनी चीचालेदारी भी करा रहे हैं। इसी की रोशनी में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अतिकुर रहमान साहब हैं जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ विंग कमांडर सेवानिवृत्त अनुमा आचार्य जी हैं, पूर्व सेनानी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। जवाहर यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुशाग्र नेता हैं। हमारे साथ खास तौर पर शहजाद अनवर फारूकी साहब जुड़े रहे, एक लंबे अंतराल के बाद वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान से, हमारे साथ इस चर्चा का खास तौर पर हिस्सा बन रहे हैं। और इन सब के बीच अपनी राय संजीदा तरीके से रखने के लिए ख्यात वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले, आज देश के प्रधानमंत्री सहारनपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस सभा को संबोधित करते करते उन्होंने इस विषय को भी कहीं ना कहीं स्पर्श किया। एक बार उनके उद्बोधन की उस झलकी को सुनते देखते हैं और फिर उसके साथ जवाहर यादव जी से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है, और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने
मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक एक दो मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए, अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि यह मामला हमारे द्वारा जो महिलाओं के हित में, मुस्लिम महिलाओं के हित में कदम उठाया गया, उसकी प्रतिक्रिया में हो रहा है, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा जो मुस्लिम समाज की महिलाओं को पिछड़ा बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। जो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हैं वह भी कमोबेश इसी प्रकार की बात कह रहे हैं, बोले ये सब कुछ नहीं है, ये सब राजनीतिक मामला है, राजनीतिक दल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही सरल मामला है जवाहर यादव जी? नहीं, निश्चित रूप से इसके पीछे और भी साजिशें हैं जी, केवल इतना ही विषय नहीं है कि इसके पीछे और भी साजिशें हैं, और जो लोग नहीं चाहते कि ये देश संविधान से चले, ये देश कानून से चले, ऐसे लोग भी भारत में हैं जी। और इसको आप इस रूप से समझ सकते हैं, जब एक माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय साहबानों को गुजारा भत्ता देता है जी, तो पूरी की पूरी कांग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सदन में पास कर देती है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा जी। तो मुस्लिम महिलाओं के साथ, मुस्लिम के, मैं ये नहीं कहता कि सभी मुस्लिम जी, मुस्लिम में भी जो समाज चाहता है कि महिलाएं आगे तरक्की ना करें, और कांग्रेस की मानसिकता कुल मिला के मुस्लिम महिलाओं को आजादी देना ही नहीं चाहती। देश के प्रधानमंत्री है जिसने ये कहा कि हम धर्म के आधार पर किसी को देखते नहीं है, जाति के आधार पर नहीं देखते, जो अधिकार भारत के संविधान ने महिलाओं को दिया है, समानता का अधिकार, वो मुस्लिम बहनों को भी मिलना चाहिए। और इसके कारण मुझे लगता है कि चुनाव के संदर्भ में ये पूरी की पूरी साजिश और जो रची गई है ये कांग्रेस के द्वारा रची गई है। और इसको इस रूप से भी देख सकते हैं, जब माननीय उच्च न्यायालय में केस चल रहा है तो कपिल सिब्बल दौड़े दौड़े चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जी। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया नहीं इससे पहले कपिल सिब्बल चले गए सुप्रीम कोर्ट में, जिससे इनको ये देखें कि यूपी में चुनाव चल रहे हैं, पूरे देश के अधिकतर 5 प्रांतों में चुनाव है, जिससे ये नजर आए कि देखो कांग्रेस तो मुसलमानों के साथ खड़ी होती है, परंतु कांग्रेस ये गलती कर गई कि आज की डेट में मुसलमान केवल वोट बैंक नहीं है जी। अगर आप मुस्लिम महिलाओं को केवल वोट बैंक बनाएंगे तो मुस्लिम महिलाएं इन पर प्रत्यार करेगी। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मुस्लिम महिलाएं भाजपा की और प्रधानमंत्री की जय जयकार करने लगी, जिससे कुछ एंटी नेशनल लोगों को और जो महिलाओं की तरक्की में बाधक है ऐसे लोगों को पीड़ा हुई, इसलिए यह हिजाब की चर्चा की जा रही। मैं जवाहर यादव जी तीन सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने बड़ी तार्किक तरीके से बात हमें समझाने की कोशिश की है, ने कहा कि लोग नहीं चाहते कि मुस्लिम लड़कियां या महिलाएं तरक्की करें। 6 लड़कियों ने याचिका लगाई है उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज की, तो वो 6 लड़कियां देश विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, महिला अधिकार विरोधी हैं, ये आपका नजरिया, ये जानना चाहता हूं पहला। दूसरा, आपने कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार देना चाहते हैं, अगर वो अपनी मर्जी से अपने सिर पर दुपट्टा रखना चाहती हैं वो तक आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, किस समानता को आप देना चाहते हैं, ये मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ। दूसरा और तीसरा, आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि जितनी नाराजगी आपको उनके दुपट्टा पहनने ना पहनने के संदर्भ में है, उनके अल्लाहू अकबर बोलने से, क्या उतनी आपत्ति जवाहर यादव जी को और भारतीय जनता पार्टी को भगवा शॉल ओढ़कर जय श्री राम के नारे कॉलेज कैंपस में लगाने वालों से भी है, तिरंगा उतार के भगवा झंडा लगा देने वालों से भी है? अगर है
तो जितनी मुखरता से आप मुस्लिम समाज के संदर्भ में भावनाओं के व्यक्ति कर रहे हैं, ये जय श्री राम के संदर्भ में या भगवा शॉल के संदर्भ में, उतनी मुखरता से क्यों नहीं बोल रहे हैं? तीन सवाल जवाहर जी, विनम्रतापूर्वक आपसे। देखिए, एक तो आपने कहा कि ये छह लड़कियां भी क्या देश विरोधी है जी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो छह बेटियां देश विरोधी है, परंतु वो छह बेटियां मुस्लिम महिलाओं की तरक्की में बाधा बनना चाहती है, ये निश्चित है। कल को हिंदू महिलाएं ये कहेगी जी छह महिलाएं चली जाएगी कि जी मुझे सती प्रथा दोबारा चाहिए, तो मैं तो उसका भी विरोध करूंगा जी। और मेरे यहाँ पर्दा प्रथा खत्म हुई है जी। मैंने अपनी मम्मी को कुछ समय पर्दा करते हुए देखा है, परंतु समय के साथ वो खत्म हुई है। तो आज की सृष्टि में समाज बदलाव चाहता है जी। और आपको ऐसे पिक्चर अनेकों बार मिलती होगी कि मैं किसी को कह नहीं रहा, किसी महिला पे टिप्पणी नहीं कर रहा, परंतु एक महिला जो कुछ समय पहले पूरे शरीर ढका हुआ दिखाती है, कुछ समय बाद वो नहीं करती, और फिर हिजाब पहनने से मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं, मेरी पार्टी को आपत्ति नहीं है जी। कॉलेज में हिजाब पहन के लड़की आती है जामिया में, किसने रोका जी? जेएनयू में किसने रोका है? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था, तो हमने कब रोका कि लड़कियां हिजाब पहन के ना आए? स्कूल में एक ड्रेस कोड है, आप इसको समझिए, स्कूल में ड्रेस कोड है, विश्वविद्यालय में ड्रेस कोड नहीं है जी। मैंने कब कहा कि विश्वविद्यालय में भी हिजाब नहीं पहनोगे? उसकी इच्छा है तो पहने जी, परंतु आप ड्रेस कोड की मान्यता नहीं देंगे और आप कहेंगे नहीं जी मैं अपने ढंग से पहनूंगी, तो आप पहनिए, आपकी निजी आस्था का मैं सम्मान करता हूँ, परंतु स्कूल से बाहर कर लीजिए ना। और देखिए ये मानसिकता को समझिए, जो छह बच्चिया आप कोर्ट में गई थी इस निर्णय के खिलाफ, आज तक वो उन्होंने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। उनकी जिद यह है जब तक हिजाब में मुझे इजाजत नहीं मिलेगी मैं कक्षा में भी नहीं जाऊंगी। तो इस मानसिकता को समझना होगा कि उन छह बच्चियों के दिमाग में किसने डाला है, जो नाबालिग है जी, क्योंकि वो 18 साल से नीचे की बच्चियां हैं जी। तो इसका मतलब वो तो जब कोर्ट भी गई होगी तो किसी ने किसी अभिभावक से चर्चा करके गई होगी, अपने आप नहीं जा सकती, अपने आप नहीं जा सकती। जवाहर यादव जी की दलीलें हैं, मुझे अतिकुर रहमान साहब के पास जाना है, लेकिन मैं उससे पहले अनुमा आचार्य जी के पास इसलिए जाना चाहता हूं कि जब भी ऐसे कोई विवाद होता है उसके पीछे कांग्रेस के हाथ को खोजा जाता है, इसमें भी खोजा गया है, जवाहर यादव जी ने भी बताया, आप लोगों का काम ही है। तो अनुमा जी आपसे ही जानना चाहते हैं, मुसलमानों के वोट आपको चाहिए पर मुसलमान समुदाय तरक्की कर पाए ये आपको नहीं चाहिए, इस प्रकार के विवाद को हवा आप इसीलिए दे रहे हैं जिसके माध्यम से मुस्लिम समाज को वोट बैंक के तौर पर तो आपके साथ रहे पर उनकी महिलाएं तरक्की ना कर जाए, जवाहर यादव जी का ऐसा निष्कर्ष है, इत्तेफाक रखती हैं आप? हिमांशु जी नमस्कार जी। आपका जो आज का विचार था उसी के साथ जाना चाहूंगी, अकबर इलाहाबादी का एक शेर है जी, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं जी। तो हम मजहब की बात ना करके हम बात करेंगे संविधान की जी, और संविधान में क्या इसका प्रोविजन है वो देखना पड़ेगा जी। क्योंकि एक फंडामेंटल अधिकार तो है धर्म मानने का जी, लेकिन एक चीज और है कि अगर हमारा धर्म मानने का तरीका ना तो पब्लिक ऑर्डर को किसी तरह अफेक्ट कर रहा हो, ना तो डिसेंसी को अफेक्ट कर रहा हो, ना मोरालिटी को अफेक्ट कर रहा हो, और ना ही सेहत को अफेक्ट कर रहा हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है जी? आपको एक दो तीन केसेस के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तमिलनाडु में जब एक क्रिश्चियन स्कूल ने लड़कियों को बिंदी और वेणी के बगैर आने को कहा था तो हिंदू संगठनों को प्रॉब्लम हुई थी जी। तो ऐसे में उस स्कूल को थोड़ा टॉलरेंस रख लेना था कि वेणी और बिंदी लगा के आ सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है जी। उसी तरह जो एक दूसरा केस है उसमें केरल की हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो हिजाब है वो केवल हेड कवर ही तो है जी, और ये उनके मुस्लिम फेथ का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना गया है जी। तो जब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और उससे ना मोरालिटी, ना हेल्थ, ना डिसेंसी और ना पब्लिक ऑर्डर अफेक्ट हो रहा है, तो थोड़ी टॉलरेंस रखिए ना जी। एक ऐसा तबका जो पढ़ने नहीं आता, जिसको बड़े मुश्किल से बहुत सारे रिस्ट्रेंस के बाद आता है जी, पढ़ाई ही तो करनी है, हेड कवर के साथ में क्या प्रॉब्लम है जी? क्या प्रॉब्लम है? विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी बार बार सवाल कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही तो प्रॉब्लम है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, पूरा देश इसी प्रॉब्लम में उलझ गया, दुनिया इस प्रॉब्लम में उलझ गई, पाकिस्तान को अपने यहाँ हो रहा घटनाक्रम ध्यान नहीं दे रहा, उसको पूरी चिंता हो गई, इतना बड़े प्रॉब्लम है अनुमा जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाकई हिजाब के संदर्भ में ये लड़ाई, शिक्षा के संदर्भ में,
या वर्तमान चुनावी माहौल को गर्माहट देने की एक कोशिश है सुनियोजित तरीके से। वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है बीसी नागरिक, उनका कहना है कि कुल मिला के सियासी मामला है, इसका पढ़ाई से लेना देना नहीं है। तमाम लोग इस बात पर दलील दे रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के तमाम शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं, कहीं हिजाब को लेकर विषय नहीं है। एक कर्नाटक की ही मुस्लिम समाज की बेटियों को अचानक लग रहा है कि अगर हिजाब नहीं पहना तो उनका धर्म नहीं बचेगा। वाकई आपने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि हर चुनाव के पहले या तो पुलवामा जैसी या सीडीएस रावत जैसी एक दुर्दांत घटना का पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न है, देखिए मैं और कुछ नहीं कह रही हूँ। अब हिंदू मुस्लिम करते थे, पाकिस्तान करते थे, सो तो सफल नहीं हो पाया इस बार, तो कहीं और करना था, और इसकी भविष्यवाणी भी लोग कर चुके थे। तो जो हुआ है ये चूंकि मुद्दा नहीं है, क्योंकि महंगाई पर हम बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, हम गृहिणियों का घर जो है उसका बजट इस तरह बढ़ गया है, अर्थव्यवस्था खराब हो गई, इस पे बात नहीं करेंगे। मुद्दा तो लाना था ना जिंदगी में। आप और हमारी अच्छी उम्र है, बताइए आपने कभी इस तरह की बहस सुनी है या करी है? इतना टॉलरेंस इस अनेकता में एकता वाले देश में है। तो ये जो चुनावी मुद्दा है कहां से शुरू हुआ? सरस्वती पूजा के दिन कर्नाटका सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हिजाब पहन के नहीं आ सकते। कहां से, किसने, कांग्रेस ने क्या शुरू किया? इनके अंदर अंतर मन में जरा झांक कर देखें कि शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत कहां से हुई अनुमा जी का सवाल है, लेकिन मैं अतीकुर रहमान साहब से थोड़ी इस्लामिक बातचीत करना चाहता हूँ और उनसे समझना चाहता हूँ कि हिजाब की अनिवार्यता कितनी है। अतीकुर रहमान साहब, अगर जिस लड़की ने हिजाब नहीं पहना उसकी अल्लाह में आस्था नहीं रही, उसका इस्लाम में अब रहना संभव नहीं है, हिजाब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण और हिजाब से काम चल जाता है, बुर्का की फिर जरूरत नहीं है, तो फिर बुरके में लोग क्यों दिखाई देते? थोड़ा इस्लामिक दृष्टि से हमें बताएंगे सच क्या है। जी डॉक्टर हिमांशु, क्योंकि मैं बचता हूँ रिलीजन पे बात करने पे ऐसे मुद्दों के ऊपर, क्योंकि आपका शो बहुत अच्छा है और आप बहुत ही बैलेंस आर्ग्यूमेंट पसंद करते हैं, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है कुरान को पेश करने। जी कुरान के तहत सूरह नूर है, वर्स 24 सॉरी वर्स 30-31 जी, जहां पर वेल को एक वो बनाया है फॉर द वुमेन, कि एक वेल होना जरूरी है ऑन देयर चेस्ट ऑन देयर बोसम्स। जी दूसरी आयत है इसी से रिलेटेड के बोथ, और हिमांशु ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ना सिर्फ औरतों के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी हिजाब है। जी दोनों को गार्ड करना है अपनी चेस्टिटी को। जी दोनों को गार्ड करना है, किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज ना हो समाज के अंदर, उनकी सोसाइटी के अंदर, जो कि वल्गर डिस्प्ले ऑफ देयर ब्यूटी हो। जी ये आयतें छोटी छोटी आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने स्पेसिफिकली कहा है कि एक्सेप्ट देयर हस्बैंड्स, द ब्यूटी ऑफ द लेडी शुड नॉट बी, औरत की ब्यूटी को किन किन लोगों के सामने आना चाहिए और इन रिश्तों के अलावा नहीं आना चाहिए। जी तो ये हो रही है रिलीजन की बात। जी डॉक्टर हिमांशु, लेकिन मेरी आपत्ति रिलीजन पर नहीं है। जी अगर ये आपत्ति रिलीजन की होती तो हमारे जितने भी मौलाना हैं, हमारे जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उस कर्नाटका के कॉलेज की 90 की 90 लड़कियों पर यह पाबंदी की होती और ये कंट्रोवर्सी मुस्लिम समाज के ऊपर तिकड़ा बन के फोड़ी जाती कि देखिए ये मौलाना कंपेल कर रहे हैं लड़कियों को हिजाब पहनने पर, मगर सिर्फ 6 लड़कियों ने। जी डॉक्टर साहब, सिर्फ 6 लड़कियों ने पिटीशन किया है। जी क्या ये सराहने की बात नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी थोप नहीं रही है पाकिस्तान की तरह? जी मुस्लिम कम्युनिटी अफगानिस्तान की तरह अपनी औरतों पर थोप नहीं रही है हिजाब की, जो कि बीजेपी का हमेशा से हमारे ऊपर इल्जाम लगा आया है, लगाते चले आ रहे हैं कि ये हिजाब को थोपना चाहते हैं। जी हमारे मुंबई के अंदर डॉक्टर साहब आपको सर्जन भी मिलेंगी लेडी हिजाब के साथ जो कि प्रैक्टिस कर रही है, गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जो कि पूरी तरह से हिजाब के साथ में हॉस्पिटल जाती है आती है। उसके साथ साथ में सानिया मिर्जा भी कम्युनिटी ने प्रोड्यूस की है, क्योंकि आराम से कुछ क्लेरिक्स ने आपत्ति की होगी लेकिन कम्युनिटी ने कभी भी उनका समर्थन नहीं किया और सानिया के ऊपर लगाए गए तमाम इल्जाम को खारिज किया। जी तो ये रिलीजन का मामला है ही नहीं डॉक्टर साहब, ये बात है बीजेपी। देखिए हादिया केस से लेके आप आज तक के देख लीजिए, हर वो कोशिश की गई
कि किसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को बीजेपी डिमोरलाइज करना चाहती है, वो नहीं कर पाए। आखिरी हथियार ऐसी जगह पे हथियार चलाया जो कि कोर इशू है एजुकेशन का, यानी यहाँ पर अगर एजुकेशन से अब क्या होगा हिमांशु जी, देखिए यूपी बिहार बंगाल राजस्थान हमारी जो महिलाएं जैसे कि अनुमति ने बताया अभी अभी कि बहुत पिछड़ापन है हमारे समाज के अंदर, बहुत कोशिश के बाद में हमने यूपीएससी तक उनको पहुंचाया जो कि बीजेपी ने उसको यूपीएससी जिहाद बना दिया जी। और इस कोशिश को हमारी नकारते हुए, इस कोशिश को हमारी ध्वंस करते हुए इन्होंने ये अपना हथियार चलाया कि एजुकेशन से इनको वंचित किया जाए, यहां हमला करो ये अपनी महिलाओं को बिठा लेंगे घरों। लेकिन हम नहीं बैठेंगे हिमांशु जी, हमने कम्युनिटी को मैसेज दे दिया है कि हम लड़ेंगे, माइनॉरिटी राइट्स के लिए लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और आखिरी हमारी उम्मीद कोर्ट के ऊपर है। अगर वहां से हमको मिल जाता है तो सुभान अल्लाह, नहीं तो हम कुछ भी करके एजुकेशन को हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमारे लिए सर्वप्रिय है। डॉक्टर साहब ये मैसेज मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं हमारे लोगों को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को हम सर्वप्रिय रखेंगे, कुरान को नहीं। ये हमारा देश सेक्युलर है, मेरा कुरान मेरी मस्जिद तक है, मेरे अपने घर तक है। साहब आपने बड़ी जबरदस्त तकरीर दी कार्यक्रम में, लेकिन मेरे दो तीन सवालात हैं जिनके संदर्भ में आपसे और रोशनी को उम्मीद है। हालांकि जवाहर यादव साहब हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, लेकिन जवाहर जी मैं आता हूं ये बात और रमान साहब से मेरी जिज्ञासा का थोड़ा समाधान हो जाए। मैं जानना ये चाहता हूं कि हम एजुकेशन से इन्हें वंचित नहीं होने देंगे और इन लोगों को हिजाब और बुरके में उलझने देंगे, इस संदर्भ में कोई स्पष्ट राय है क्या? आप इस बात से इतफाक नहीं रखते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को ये धार्मिक चिन्हों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए? हिजाब होना ना होना क्या वाकई इतना महत्वपूर्ण है? आप स्वयं सानिया मिर्जा का उदाहरण हमारे बीच में दे रहे हैं, क्या सानिया मिर्जा ने अगर हिजाब नहीं पहना, सानिया मिर्जा ने अगर बुरका नहीं पहना तो वो क्या इस्लाम के अंतर्गत अब सम्मान की योग्य नहीं रही? आपसे समझना चाहता हूँ एक। दूसरा आपसे समझना चाहता हूँ कि आंकड़े हैं मेरे पास मुस्लिम समाज के अंतर्गत, इस देश में कुल जितने मुस्लिम रहते हैं ना उसमें से मात्र 2.47% मुसलमान स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये हालत है। यानी कुल अगर 100 मुसलमान देश में हैं तो उनमें से 3 मुसलमान ही शिक्षा के स्तर पर स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते हैं। उसमें महिलाओं के स्तर पर भी वो कुल 30% है, यानी 100 में से 1 महिला ग्रेजुएट हो पाती है। आपकी लड़ाई हिजाब के संदर्भ में रहनी चाहिए या लड़ाई इस संदर्भ में होनी चाहिए कि हर बच्ची कम से कम कॉलेज को देख ले, पढ़ ले? इस प्रकार के विवादों में उलझेंगे तो ये एक भी बचेगा, इसका संकट पैदा हो रहा है, चिंतित हैं आप इसके लिए? बिल्कुल नहीं डॉक्टर हिमांशु, देखिए ये कंट्रोवर्सी कभी नहीं रही जी। प्रॉब्लम क्या है, ये कभी नहीं रही। हम लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी डेज में हर तरह की महिलाओं को देखा है, हर कम्युनिटी की महिलाओं को देखा है। कुछ पल्लू करती हैं, कुछ पल्लू नहीं करती हैं, कुछ हिजाब करती हैं, बहुत सारी नहीं करती हैं, कभी किसी को आपत्ति नहीं रही। डॉक्टर साहब समस्या ये है कि अचानक, मैंने इसीलिए हदिया का केस आपको बताया जी, कि देखिए हमला कहाँ कहाँ हो रहा है, चोट कहाँ कहाँ हो रही है जी। एक माइनॉरिटी आपके मुल्क में रह रही है, मैं विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रहा हूं जी। हिमांशु जी मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन के ऊपर मेरी पूरी वो है, आस्था है। सरदार पटेल ने जो माइनॉरिटी राइट्स हमको एश्योर किए थे और उन्होंने मेजॉरिटी कम्युनिटी को उस वक्त कहा था कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी ने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी देकर ये साबित किया है कि ये एक सेक्युलर हिंदुस्तान चाहते हैं, ये इनका योगदान आप भूलना नहीं और इनकी माइनॉरिटी राइट्स को बरकरार रखना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के वर्ड्स थे जी। अब ये संविधानिक अधिकार अगर कोई हमसे छीनना चाह रहा है, अगर 90 में से 6 लड़कियां अगर स्कार्फ पहन के आना चाहती हैं, विच इज नॉट एन हिंड्रेंस इन देयर एजुकेशन, विच इज नॉट एन हिंड्रेंस इन पब्लिक ऑर्डर, विच इज नॉट एन हिंड्रेंस, जैसे अनुमाव जी ने बताया कि कहीं से कहीं तक वो रुकावट नहीं है एजुकेशन में, तो क्यों ये बवाल पैदा किया? क्यों ये बवाल पैदा किया जा रहा? अधिकुर रहमान साहब का कहना, अगर पहन लिया 6 लड़कियों ने स्कार्फ तो क्या बिगड़ जाएगा? जवाहर यादव जी हस्तक्षेप करने जा रहे थे, संक्षिप्त में लेता हूं क्योंकि मैं शहजाद अनवर फारूकी साहब के पास जाना चाहता हूं।
जी जवाहर जी, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे? हाँ देखिए, मेरा निवेदन ये है, जो मेरे मुस्लिम मित्र बोल रहे हैं जी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि केरल में तो भाजपा नहीं थी जी, जहाँ मेरी कांग्रेस में बेसिकली क्या है, मेरे साथ दिक्कत है, मैं गाड़ी में बैठ के कहीं डिबेट कर रहा हूँ, प्रॉपर व्यवस्था नहीं, इसलिए चीजें ठीक नहीं हो रही, इसलिए मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा। मेरी कांग्रेस के मित्र ने भी कहा, परंतु मैं जाना, इन्होंने 2018 का केरल का उदाहरण दिया और उसका निर्णय की बात नहीं की जी। केरल ने मैडम जो दो बच्चियां गई थी उनको हिजाब पहनने से मना किया, निर्णय ये हुआ है, इसलिए अपनी पसंद का निर्णय मत बताइए उसमें से, नंबर एक। दूसरा, मेरे मित्र कह रहे हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ, आप भाजपा के ऊपर आरोप लगा दीजिए, परंतु 1986 में अगर मुस्लिम बहनों को गुजारे भत्ते का अधिकार मिला था तो मेरे मुस्लिम जो सेक्युलर यहाँ बैठे हैं वो उससे सहमत थे या नहीं थे? और कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस महिलाओं की हितैषी होती तो संसद में उसको नहीं बदलती, इसलिए नोटंकी बंद कीजिए, फिर दूसरा विषय को भटकाया जा रहा है। दूसरे विषय को भटकाया जा रहा है, मैं आऊंगा तेगुर रहमान साहब, मैं थोड़ा सा विस्तार से इसमें बात करना चाहता हूँ। राकेश पाठक जी के पास भी मुझे जाना है, लेकिन मैं शहजाद अनवर फारूकी साहब के पास इसलिए जाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अचानक बहुत चिंतित हो गया। मलाला रोल मॉडल हैं पूरी दुनिया में, वो भी चिंतित हो गए हिजाब के मसले पर। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा भारतीय राजनयिक को तलब करके अपनी चिंताओं के संदर्भ में भी बात की। क्या हो गया फारूकी साहब ऐसा जिसके कारण से पाकिस्तान इतना चिंतित है? क्या महसूस कर रहा है पाकिस्तान इस प्रकरण के संदर्भ में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार जी। देखिए, मेरे नजदीक ये मामला जो है ये किसी हद तक ये सियासी मामला है और दस्तूर से जुड़ा हुआ है। मैं बड़ी हद तक जो है वो मैं सहमत हूँ अनोमा आचार्य साहिबा से, चूंकि बात असूल की है, एक असूल है या नहीं है, ये ऐसे ही है मानचु जी कि मैं आपसे कहूं कि कल से आप जो है वो गेरवे कलर का एक शॉल कंधे पे रख के आया करेंगे और उसके बगैर जो है वो, चूंकि आपकी रेटिंग अच्छी हो जाएगी तो आप, या फिर जो है वो भगवा जो है वो पहन के आया करें या येलो कलर की टाई लगा के आया करें। और जब आप नहीं मानते तो फिर मैं आपको कहता हूं कि ये देखिए, ये आपकी रेटिंग बेहतर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो बड़ा कमाल हो जाएगा। वो खुदा का वास्ता यार, कोई असूल होता है, कोई प्रिंसिपल है? आप दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर रियासत क्लेम करते हैं अपने आप को और आपके अंदर चंद बच्चियों का हिजाब अगर कबूल करने की या बर्दाश्त करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो फिर ये इतने बड़े बड़े क्लेम मत किया करें खुदा के वास्ते। आप लोगों के लिए देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ों से मैं इंस्पायर भी हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब इस तरह की बात आपके सामने रखी जाए कि बच्चियों को अगर हिजाब पहनना है तो इसमें मसला किसको है? यार देखिए, आपके मुल्क में किसी को बिकनी पहनने से तो कोई मसला नहीं है, किसी को शॉर्ट ड्रेस में कोई मसला नहीं है, तो अगर मुसलमान बच्चियां जो हैं वो अगर हिजाब लेना चाहती हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उनको आपने जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो आर्गुमेंट लेके आए थे अतीकुर रहमान साहब, तो देखिए मुझे मुझे लगता ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो तो गुजर गए, अब आपको मोदी जी के साथ वास्ता है। और मोदी जी का अभी जो स्टार्ट में आपने क्लिप सुनवाया तो वो ये कह रहे थे कि कोई वोटों के सौदागर हैं या कोई वोटों के लुटेरे हैं। मुझे नहीं समझ आती यार, यहाँ पे सियासत आफ्टर ऑल आप सिर्फ वोटों के लिए ही तो कर रहे हैं, सारे के सारे सियासत कर रहे हैं खुदा के वास्ते। जिन लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं वो उनको दीजिए। इस्लाम के अंदर जब हम अभी उन्होंने आपको पूरा आर्गुमेंट दिया कुरान से, तो उसमें तो मर्द के लिए भी निगाहें नीची झुका के चलने का हुक्म है। बात आर्गुमेंट बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की हद तक हम लोग सिर्फ ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ये जो मुसलमानों के राइट्स हैं, आप हमारे हमारे बिल्कुल हमसाए में हैं, तो वहां पे जो मुसलमान बैठे हैं उनको वो राइट्स मिलने चाहिए जो पूरी दुनिया में तस्लीम शुदा है। यहां पर मैं हवाला दूंगा कि आपको याद होगा 71 के बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि जी हमने दो कौमी नजरिया जो है वो डबो दिया समंदर में, तो वो दो कौमी नजरिया तो आप खुद जिंदा कर रहे हैं यार, हम तो मानते ही नहीं है आपका ये आर्गूमेंट। लेकिन आप अगर ये सारा कुछ करते रहेंगे तो मुसलमानों को इनसिक्योर करेंगे। अब यानी आर्गूमेंट ये डेवलप हो रहा है कि देखे इस तरह से वो जो एक बच्ची है वो भी नहीं जा पाएगी, ये कौन सा आर्गुमेंट है? फारूक साहब, लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि क्या आप इस बात के हामी नहीं है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को अपना ड्रेस कोड तय करने का अधिकार होना चाहिए और उसमें पढ़ने वाले बच्चों का ये दायित्व होता है कि उनके संस्थान का जो ड्रेस कोड है वो उसको फॉलो करे?
क्या इस अधिकार के खिलाफ है? हिमांशु जी, 74 साल तक तो इस ड्रेस कोड जो ऑलरेडी चल रहा था उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऑल ऑफ द सडन उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के मराहल, जो पहला मरहला है उससे एक दिन पहले, दो दिन पहले, चार दिन पहले आपको 74 साल बाद ये पता चला कि ओहो ये तो ड्रेस कोड गलत हो गया, इसको तो ठीक करने की जरूरत है। और ठीक भी करना है तो सिर्फ मुसलमानों का ड्रेस कोड ठीक कर रहे हैं, बाकी जो बच्चे जो भी पहन के आ रहे हैं वो सारे के सारे ठीक है। नहीं फारूक साहब, मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा, आपत्ति दोनों चीजों पर व्यक्त कर रही है वहां की सरकार। वहां की सरकार भगवा शॉल पहनने पर भी आपत्ति कर रही है और हिजाब पहनने के संदर्भ में भी आपत्ति कर रही है, दोनों आपत्ति है। मेरा सवाल आपसे बुनियादी है फारूकी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप इस बात की हिमायत करते हैं, आप इस बात के समर्थन में हैं कि किसी भी स्कूल कॉलेज को अपने बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए एक ड्रेस कोड जो गरिमापूर्ण हो वो रखना चाहिए और उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उसका पालन करना चाहिए? ये मेरा एक बुनियादी सवाल है, ना ये हिंदुस्तान के संदर्भ में ना पाकिस्तान के संदर्भ में है, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी शैक्षणिक संस्थान है क्या उनमें एक गरिमापूर्ण ड्रेस कोड होना आपको आपत्तिजनक लगता है या आपको लगता है ये होना चाहिए और सब लोगों को धार्मिक कट्टरता को छोड़ उसका पालन करना चाहिए? डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी इंस्टीट्यूट को अपना ड्रेस कोड जो तय करने की इजाजत होती है और वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से हम गर्मियों के लिए अलग ड्रेस कोड जारी करते हैं, सर्दियों के लिए अलग ड्रेस कोड जारी करते हैं, क्या मुसलमानों को ये रियायत नहीं दी जा सकती कि वो अपने रहन सहन और अपने मजहब के मुताबिक उस स्कूल में आ जा सके? आखिर मुझे समझ नहीं आती कि चंद बच्चियों के हिजाब ले लेने से क्या क्यामत टूट पड़ेगी, ये कौन क्यामत ये टूट पड़ेगी? फारूकी साहब डरते हैं इस बात से कि आज हिजाब के लिए बात कर रहे हैं, कल बुरके के लिए बात कर लेंगे। आज मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे ड्रेस कोड के अनुसार ये होना चाहिए, कल पारसी शुरू हो जाए, परसों बौद्ध शुरू हो जाए, और फिर हमारे यहाँ ब्राह्मण भी शुरू हो जाएंगे, हम धोती कुर्ता पहन के आएंगे, हमारे ब्राह्मणों के यहाँ पुरोहित को तो इसी प्रकार का होना चाहिए, तो एक बड़ा लंबा सिलसिला हो जाता है। लेकिन मुझे जाना है डॉक्टर राकेश पाठक के पास, लेकिन जवाहर यादव जी के लिए बड़ा कष्ट का समय है, हर तरफ से जो आवाज़ आ रही है वो बड़ी पीड़ा पहुँचा रही है। जवाहर जी, आपका दर्द सार्वजनिक हो। देखिए, पाकिस्तान के मेरे मित्र इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं जी। कल ही पाकिस्तान में हिंदू टीचर को उम्र कैद की सजा दी गई जी, परंतु सहमति किसमें हो रही है? कांग्रेस पाकिस्तान के मेरे मित्र में और कांग्रेस की मेरे मित्र में, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, परंतु ना कांग्रेस ने यह सवाल किया, ना मेरे जो मुस्लिम स्कॉलर है उन्होंने सवाल किया। और हिमांशु जी, इन दोनों की तरफ से यह सवाल आना चाहिए था पाकिस्तान के मित्र से कि जो हिंदू टीचर को कल जी। दूसरा, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये स्कूल के ड्रेस कोड की बात हो रही है, ना कि यूनिवर्सिटी के। स्कूल में सब जगह ड्रेस कोड पहले से लागू होता है। उन बच्चियों ने दिसंबर में आना चाह हिजाब के साथ मना कर दिया, कोर्ट का फैसला है एक, और जो उसमें हुआ उसमें भी थोड़ा अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। ये केवल स्कूल का मसला नहीं है, अब कॉलेजों का भी मसला है, ये केवल उडुपी का मसला नहीं रहा, उसके अलावा भी तमाम जिलों में विवाद पैदा हो गया है। कुल मिला के हालत ये है कि पूरे कर्नाटक में शैक्षणिक संस्था बंद है, स्कूल भी बंद है, कॉलेज भी बंद है। तो कम से कम मामले को इतना सरलीकृत तो मत कीजिए कि एक स्कूल की ड्रेस कोड के संदर्भ में बात हो रही है, बात पूरे आयाम में होनी चाहिए। अनुमा आचार्य जी पर सीधा प्रहार आपका है तो उनका संक्षेप लेता हूँ, फिर राकेश पाठक जी से थोड़ी गंभीर बातचीत मैं करना चाहता हूँ। जी अनुमा जी, पाकिस्तान का साथ, कांग्रेस का हाथ, परेशानी का सबब हो गया। एक तो सरे शाम झूठ बोल दिया, मेरा तो नंबर ही नहीं आया उनके बाद, तो मैं कहां से उनके बारे में कुछ बोल रही हूँ। एक गेस्ट है, आपने बुलाया, आपने उनका सम्मान किया है, और हमारे पड़ोसी देश के हैं, तो मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, बात हुई ना कुछ, तो आपके चैनल पे सरेशाम झूठ बोल दिया बीजेपी के प्रवक्ता ने। शर्मिंदगी होती है कि ये लोग। अब आपको एक चीज और बताती हूँ, आगाह कर रही हूँ, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन वोटिंग है, उस दिन बड़े तमाशे हो सकते हैं और ज्यादा से और भी कुछ हो सकता है, हिंसा भी हो सकती है। ये सब डर लगते हैं क्योंकि ये इनके पैटर्न है, ये डिवाइड करने के पैटर्न है। पर आपने जो कहा कि हिंदू लोग ये मांग, ब्राह्मण कहेंगे हम ये पहन के, देखिए एक्सट्रीम पे मत जाइए। 75 साल अगर ये कोई मुद्दा नहीं रहा, अगर वेणी बिंदी मुद्दा नहीं रहा, अगर आर्म फोर्सेस में भी जी ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि स्कूल स्कूल होते हैं, मिलिट्री रूल नहीं होता वहां, स्कूल में हम देखते हैं बहुत सारी चीजों की छूट होती है, तो वो मिलिट्री रूल नहीं है। मिलिट्री की अगर हम बात करेंगे तो वो बात अलग होती है, लेकिन स्कूल जो है वहां पे इतना
वेणी की भी अगर परमिशन है। अनुमा जी कह रही हैं कि एक्सट्रीम पे मत जाइए, पर अनुमा जी जो देश के हालात चल रहे हैं ना उसके अनुसार ही तो बात करनी पड़ेगी। बात कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक पहुंच जाती है, कैसे खारिज कर दें? डॉक्टर आगे बढ़ेगी, आप मान रहे हैं बात हिजाब तक ही रह जाएगी, नकाब तक नहीं आएगी, बुरके तक नहीं आएगी, धोती कुर्ता तक नहीं आएगी। ये दुशाला ओढ़े हुए जो 200-200 लोग दिखाई दे रहे हैं, इसके बावजूद भी अनुमा जी चाहती हैं कि आप एक्सट्रीम पे मत जाइए। वाकई नहीं जाए, इतना सरल मामला है? नहीं डॉक्टर हिमांशु, इतना सरल मामला नहीं है। और मेरी गुजारिश है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं सिलसिलेवार सारे मुद्दों पर बात करना चाहूंगा जी। सबसे पहले तो मैं विंग कमांडर अनुमा हमारी मित्र हैं, उन्होंने अकबर इलाहाबादी से बात शुरू की थी, तो मैं भी अकबर इलाहाबादी के ही एक शेर के साथ बात शुरू करना चाहता हूँ जी। ये पूरा मामला जो है ये पुरुष सत्तात्मक समाज की जबरदस्ती का मामला है, हिंदू और मुसलमान दोनों तरफ से। कुदरत ने औरत और आदमी को एक सा बनाया, बराबर से बनाया। इसलिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया जी। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। सच्चाई है हिमांशु कि ये पर्दा औरतों की मर्दों के अकल पर पड़ा हुआ है जी। कि वे एक मामूली से स्कार्फ, एक हिजाब, और मैं माफी के साथ ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में दोनों ही मजहबों, दोनों ही धर्मों के बीच में इतनी दूरी, इतनी खाई बना दी गई है कि बहुत सारे बहुसंख्यक लोग ये जानते भी नहीं है कि हिजाब, नकाब और बुरखे में क्या फर्क है जी। मैंने बहुत तफसील से कल लिखा था कि भाई ये सिर्फ एक स्कार्फ है, ये नकाब नहीं है जिसमें पूरी पहचान छुप जाएगी, कि लोगों को लग रहा है कि कोई बम्बार्डिंग करने वाला दस्ता बन के आ जाएगी कोई लड़की बुरका या नकाब पहनकर। एक दूसरी बात, मैं सिलसिलेवार आ रहा हूं फारूकी साहेब, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अपने मुल्क में आप एक जरा नजर डाल दीजिए कि अकलियत की क्या स्थिति हालात हैं, अल्पसंख्यकों के माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक वहां हो रहा है। तो मेहरबानी करके खुदा के लिए हमारे मुल्क में दखल देने की कोशिश मत कीजिए। आप हमारे दोस्त हैं, खबरनवीस हैं, मैं भी खबरनवीस हूं। मेरी गुजारिश ये है कि हर मुल्क में, दुनिया के हर देश में ये वैश्विक एक लोकाचार है, एक संस्कार है कि जिस देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो अकलियत हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, हर सभ्य समाज में बहुसंख्यकों की, मेजोरिटी की जिम्मेदारी है, वो समाज सभ्य माना जाता है। जो समाज अपने अल्पसंख्यकों और माइनॉरिटीज की हर रवायत का, हर रस्म का अदब करता है, उसे मौका देता है, उसको जगह देता है। एक बात जी, बहुत सारी आपके यहाँ वाकयात होते हैं, तो मेहरबानी करके थोड़ा उधर भी ध्यान दे दीजिए। हम चाहेंगे कि दोनों मुल्कों में अपने अपने जो अकलियत हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी चिंता और फिक्र की जाए, उनके सारे हक और हुकूक उन्हें मिलना ही चाहिए। अब मैं आता हूं ड्रेस कोड पर जी। हिमांशु, बिल्कुल अनुमा ने ठीक कहा कि ये फौज नहीं है, स्कूल है। और अगर ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं तो ड्रेस कोड को लागू कराना, यूनिफॉर्म को लागू कराना, उस पर अमल कराना स्कूल की जिम्मेदारी होगी, वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। कोई लफंगों का हुजूम एक खास रंग का पटका गले में डालकर एक अकेली लड़की को रोक कर ये कहे कि उसे हिजाब नहीं पहनना है, तो ये कानून व्यवस्था का भी सवाल है। यह किसी को नहीं दिया जा सकता कि सड़क पर घेर कर कोई किसी से ये कहे कि आप ये हिजाब नहीं पहनेंगे। तीसरी बात, मामला अदालत में है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि सोमवार से फिर इस पर सुनवाई करेंगे, जो फैसला आएगा हम उसे मंजूर करेंगे। एक दो मुद्दे और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो स्कूलों में यूनिफॉर्म और मजहबी पहचान की बात की जा रही है जी, हिमांशु हमारे मुल्क में, हमारे देश में 70 सालों से, चूंकि बहुसंख्यकों का देश है, हम सब जन्मना, हम, मैं भी हिंदू हूं लेकिन मैं अपने आप को हिंदुस्तानी और एक मामूली इंसान ही मानता हूं जी। मैं मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर ये कहना चाहता हूं कि इन्हीं स्कूलों में, हिंदुस्तान के तमाम स्कूलों में तमाम धर्मों की पूजा पाठ होती है जी। सरस्वती पूजन होता है, तिलक लगाकर कार्यक्रम होते हैं, होली दिवाली होती है, सब कुछ होता है। तो फिर ये सारे धर्मों के प्रतीकात्मक आयोजन, उनके प्रतीक स्कूल की चार दीवारी से बाहर होना चाहिए जी। कि अगर सिर पर रखा हुआ एक छोटा सा कपड़ा आपको नागवार है, तो फिर किसी धर्म के किसी प्रतीक चिन्ह का
प्रवेश, उसका दाखिला स्कूल की इमारत के भीतर नहीं हो जी। फिर कल को जो ईसाई बच्चियां हैं वे स्कार्फ पहनती हैं, सिख जो बच्चे हैं वो पग लगाते हैं जिसको हम पगड़ी कहते हैं जी। फिर ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जो हनुमान ने कहा कि ये एक्सट्रीम तक जाएंगे, और यकीन मानिए इसके पीछे सिर्फ सियासी मामला है, ये मामला सिर्फ हिजाब तक महदूद नहीं है, वहां तक सीमित नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव है, हम जानते हैं कि ये पहला चुनाव है मानसू कई सालों में जिसमें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी बिछाई हुई जाजम पर, अपनी बिछाई हुई पिच पर दूसरी पार्टियों को लाने में अब तक नाकाम रहे हैं। उत्तर प्रदेश का तमाम वोटर रोजगार की बात कर रहा है, रोटी की बात कर रहा है, अस्पताल की बात कर रहा है, वो याद दिला रहा है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली थी जी। वो याद दिला रहा है कि उसके अपने परिवार के लोगों की लाशें गंगा में बहानी पड़ी थी उसे। तो मजबूरी है, चूंकि उत्तर प्रदेश में ये ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। तो फिर आगे आपसे एक बात समझना चाहता हूँ, बीच में हस्तक्षेप करते हुए, आप भी कुल मिला के हमें रास्ता अदालत का दिखा रहे हैं, अदालत के फैसले तक रुकना चाहिए। बेवकूफ है हम सब लोग जो ये सरकारों को चुनते हैं, सारे मसले का समाधान केवल अदालत के स्तर पर करें। अदालत तो फैसला दे रखी है, केरल हाईकोर्ट, अब कर्नाटक हाईकोर्ट करे, फिर सुप्रीम कोर्ट करे। क्या आप बांधने से इनकार करते हैं कि हमारे यहाँ की सरकारें अपना दायित्व बोध निभा पाने में नाकाम रह रही हैं? लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में जो सिस्टम है, कामकार का जो कामकाज का जो तौर तरीका, हमारे जो 4 पिलर्स हैं, जो स्तंभ हैं जी, पहली जिम्मेदारी, पहली जवाबदेही सरकारों की है, सरकार को जिसने चुना है, जनता ने चुना है, वेलफेयर स्टेट में, लोक कल्याणकारी राज्य में उसे ये इंतजाम करने हैं। तो आप अदालत के फैसले की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आना चाहता हूँ जी। सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, 19 सितंबर 2019 जी, 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिला, किशोरी जिसको पीरियड होने लगते हैं उसके बाद से लेकर उसके मेनोपॉज के बाद के समय तक उसका प्रवेश वर्जित है। मैं और पूरी फहरिस्त, और उसके बावजूद प्रवेश मिल नहीं रहा अभी महिलाओं को सबरीमला में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। मैं हिंदुस्तान में और मंदिरों की फहरिस्त आपको गिना देता हूँ, शनि मंदिर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, मेरे पास पूरी फहरिस्त है। धूमावती में पीतम्बरा पीठ में एक धूमावती माई का मंदिर, इतनी फहरिस्त आपके पास मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति के संदर्भ में भी है क्या? आप राकेश पाठक, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं इसी पर आ रहा हूँ, आप बिल्कुल अतीकुर रहमान साहब सुन लें कान खोल कर। मैं पूरे अदब के साथ कहना चाहता हूँ, कुदरत ने आदमी और औरत को बराबर से बनाया है। दुनिया का कोई धर्म स्थान, कोई पूजा स्थल, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इंसानियत का सिपाही हूँ, उस नाते कह रहा हूँ कि हर जगह औरत को बराबर से इबादत बराबर से जाने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन मैं वापस जवाहर यादव जी के पास आता हूँ। जवाहर यादव जी, आपसे जानना ये चाहता हूँ, ये हिजाब नकाब में उलझा कर देश का कितना भला कर देंगे आप? क्या आप इसे अपनी सरकार की विफलता नहीं मानते हैं? 7 साल 8 साल से आप सत्ता में हैं और इसके बावजूद भी इस देश की आधी आबादी निरक्षर बताई जाती है, तकरीबन 44-45% मुस्लिम समाज के अंतर्गत कुल 3% लोग स्नातक स्तर की शिक्षा ले पा रहे हैं। इस पर ध्यान देने के स्थान पर आपको लग रहा है कि यह हिजाब के संदर्भ में जरा रोका जाना जरूरी है, इसे अनुमति नहीं, क्या कहते हैं आप? ये मुद्दा हमने तो नहीं बनाया जी। केरल उच्च न्यायालय का निर्णय है कि हिजाब नहीं पहन सकते जी। उसके बाद बच्चिया दिसंबर में गई, दिसंबर में तो कोई चुनाव था नहीं जी। वो मुस्लिम लड़की आ गई, वो भाजपा ने तो भेजी नहीं जी। तो इसके लिए निर्णय लेने के लिए गई जी। नंबर एक, दूसरा मेरे पत्रकार मित्र ने भगवा पहनने वाले को गुंडा कह दिया, एजेंडा कहां से तय होता है वो आप समझ सकते हैं जी। मेरे मित्र ने ये नहीं कहा कि न्यायालय की सारी बात नहीं, तो उनको कहना चाहिए था भाई जब केरल का उच्च न्यायालय का, तो जवाहर यादव जी, राकेश पाठक ने बहुत ही गलत बात कही, बहुत आपत्तिजनक है। राकेश पाठक ऐसा कैसे बोल सकते हैं? पर मुझे ये बताएंगे, आपकी एक लड़की और 200 लड़के उसे घेर के नारेबाजी करें तो उसके लिए हमें किस संबंध में बोलना चाहिए, किस संबोधन से संबोधित करना चाहिए? 200 वीर योद्धा क्या कहें, क्या गलत कर दिया? मैं आता हूं, वो वीडियो मैंने देखी भी है। अगर कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार करता है वो गलत है, और गलत कार्य की कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो उसके साथ नहीं खड़ी होती जी। परंतु इसका दूसरा रूप देखना होगा। आपने मुसलमानों का बताया कि 3% उसका शिक्षा करते हैं स्नातक तक, तो साहब ये माइनॉरिटी है,
सबसे ये सबसे मेजर माइनॉरिटी है, सबसे कम तो जैन है, उनसे कम पारसी है, उनसे कम सिख है, और इनकी तो रियासतें रही है, रामपुर इनका रहा, भोपाल इनका रहा, पटौदी इनका रहा, हैदराबाद इनका रहा। जो शासक थे वो अनपढ़ कैसे हो गए, इसका जवाब ये जो मुसलमान सेकुलर बैठे हैं और जो मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं इनको बताना चाहिए जी। कि जिनकी रियासत थी पारसी, किस पारसी की रियासत थी, कोई किस जैन की कोई रियासत थी, एक सिख का अगर एक महाराणा रंजीत सिंह को छोड़ दे किसकी रियासत थी। इसका मतलब वहां का समाज चाहता था, वहां के रहनुमा चाहते थे कि उनका समाज पढ़े जी। और मेरे मित्र जो मुस्लिम सेकुलर बैठे हैं, स्कॉलर बैठे हैं, उनको चाहिए कि उनका समाज कैसे पढ़े, उनको सीखना चाहिए पारसी से, उनको सीखना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण बात कही जवाहर यादव जी ने। जवाहर यादव जी जिस विचार से आते हैं आतिकुर रहमान साहब, उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तौर पर जानते हैं। उसने एक संगठन बनाया मुसलमानों के उद्धार के लिए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसका गठन किया इंद्रेश कुमार जी ने। इंद्रेश जी ने आज कहा है कि इस्लाम और इंसानियत में हमेशा संघर्ष रहा है, लेकिन भारत जैसा देश चाहता है कि आप जिस संस्था और संस्थान में रहें उसके कायदे कानून के हिसाब से रहना चाहिए। क्या कहते हैं आप, क्यों आप लोगों को ये चाहिए कि आप जिस संस्था में रहें आप अलग ही दिखना चाहिए? ये शिकायत है। इंद्रेश जी लगातार मुस्लिम समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयत्नशील है कई वर्षों से। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से जो संघ का चेहरा बनता है कि वो तो मुसलमानों के खिलाफ है, उसको बदलने की कोशिश में है। क्या कहते हैं आप? मैं आभारी हूँ जो RSS के जो प्रचारक है उनकी, और हिस्ट्री में जाना तो मोनोपोली रही है जो BJP के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं। जब इनकी बारी आई जिम्मेदारी दिखाने की तो ये हिस्ट्री में चले गए और महाराजा और किस किस की गिनाने लगे। जहां तक के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का सवाल है, छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको, डॉक्टर हिमांशु, महाराष्ट्र के अंदर जो माइनॉरिटी अफेयर्स के हमारे चीफ हैं, कुछ आजम खान नाम है उनका, उन्होंने पिछली ईद को मुस्लिम महिलाओं को बुरखे बांटे थे, तो किसी जर्नलिस्ट ने आपकी तरह उनको पूछा कि भाई आप तो बुरखों के खिलाफ हैं, फिर ये मुस्लिम महिलाओं को आप बुरखे क्यों बांट रहे हैं? तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया डॉक्टर साहब? उन्होंने जवाब दिया कि ये मुस्लिम महिलाओं के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, उन कपड़ों को छुपाने के लिए मैं इनको बुरखे बांट रहा हूं। तो ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, ये डिमोरलाइज करने की यूनिट है, ये पूरा का पूरा RSS और इनका पूरा के पूरा ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी कोशिश नहीं छोड़ता है जहां इस्लाम और मुसलमानों को डिमोरलाइज नहीं किया जाए। अलबत्ता क्योंकि डॉक्टर राकेश पाठक जी ने मेरा नाम लिया था इस संदर्भ में कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जाएं या ना जाएं, तो डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, और सबसे पहले मैं पहली बार ऐसे शो के ऊपर एक कंप्लीट इंडियन मैन को देख रहा हूं, अ ट्रू इंडियन मैन, डॉक्टर राकेश पाठक की उसके अंदर मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और हर पैनल पे मैंने पैरवी की है कि हाजी अली जब मामला आया था तो भी मैंने पैरवी की थी कि कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, और जब मस्जिद में जाने का मामला आता है हिमांशु जी तो भी हम कहते हैं कि ये रूढ़ीवादी मुगलों के वक्त में जब सरकारें बदली, अंग्रेज आए, उन लोगों ने जो इनसिक्योरिटी का आलम पैदा किया था, तब से महिलाओं को रोका गया मस्जिद में जाने से, नहीं तो उससे पहले और प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में खुलेआम मस्जिद में औरतें जाती थी। तो अधिगुरु मेहन साहब हिमायत कर रहे हैं कि महिलाओं का भी मस्जिद में जाना शुरू होना चाहिए, लेकिन जितनी जोर से आवाज हिजाब के संदर्भ में है उतनी अतिकुर रहमान जिस विचार को कह रहे हैं उसके समर्थन में आवाजें दिखाई नहीं देती हैं। मैं बातचीत को अंतिम चरण में ले जाना चाहता हूं और अनुमा आचार्य जी से जानना चाहता हूं कि कुल मिलाकर ये मसला आने वाले समय में तनाव का सबब ना बने इसके लिए जिम्मेदार राजनीतिक दलों से किसी भूमिका की उम्मीद है? क्या कांग्रेस से कोई उम्मीद कर सकते हैं कि वो समाधान की दिशा में बात करेगी या इस विवाद को और हवा मिले इस दिशा में कोशिश करेगी? क्योंकि केरल की वो कर्नाटक की सरकार का तो यही कहना है सब कुछ सियासी है और कुछ नहीं। जितने साल कांग्रेस रही उतने साल इस मुद्दे पर तो कम से कम बहस नहीं हुई, बहस के मुद्दे हुआ करते थे। अब आप देखिए, BJP के प्रवक्ता ने कहा जैन और पारसियों का उदाहरण दिया,
पारसी पूरे विश्व में 2 लाख हैं, जैन जो है वो 6 मिलियन है, जबकि मुस्लिम्स 1.9 बिलियन है। तो आप इनको कंपैरिजन नहीं कर सकते कि उनका उदाहरण लो उनका उदाहरण लो, ये बिल्कुल गलत बात है। उसी तरह से अगर आप ये देखें कि अब हमें क्या करना है, हमारे संविधान में इजाजत है, और मैंने जैसे शुरू में कहा वो 4 चीजें अफेक्ट नहीं हो रही हैं, तो इतने से टॉलरेंस को हम नहीं रख सकते। अभी उन्होंने बताया एक पिछले प्रवक्ता ने कि मुस्लिम महिलाओं के पास अच्छे कपड़े नहीं है, उसको छिपाने के लिए वो हिजाब उनको वो दिया गया बुर्का है बुर्का। तो इसी तरह से वो लड़कियों को पढ़ने के लिए आने के लिए उनके परिवार को कितना संघर्ष करना पड़ता है परंपरा के कारण, कट्टरता के कारण। तो क्या आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं उसके बाद आप इतना सा टॉलरेंस नहीं रख सकते? ये तो बहुत गलत बात है। और महत्वपूर्ण टिप्पणी है विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी की कि एक तरफ आप अभियान चला रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी सर पर स्कार्फ रख ले रही है, तो वो भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रश्न मौजूद है, जवाहर यादव जी से इसका उत्तर लूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी बातचीत शहजाद अनवर फारूकी साहब से करना चाहता हूं। और फारूकी साहब आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपने कहा कि हम भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर चिंतित हैं, पाकिस्तान का सरोकार है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। अल्पसंख्यकों के संदर्भ में जितने चिंतित आप पाकिस्तान में रहकर रहते हैं, भारत की ये शिकायत रहती है, उतनी चिंता पाकिस्तान के अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के संदर्भ में नहीं रहती, क्या कहते हैं इस पर आप? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं भी आपसे बात करना चाह रहा था इसी मौजू पे। बात यह है कि गलत को गलत कहने का हौसला होना चाहिए, वो पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो। मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा इसीलिए आता हूं कि मैं यहाँ पे अच्छा लॉजिकल आर्गुमेंट सुनने की उम्मीद रखता हूँ। बदकिस्मती से आज मैं ये देखने में मैं नाकाम रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता ये है कि पता नहीं हिंदुस्तान में रहने के लिए ये जरूरी है कि हर आदमी जब आर्गुमेंट करेगा तो वो पाकिस्तान को या तो गाली देगा या उसको बुरा भला कहेगा। ये गालबन टीवी पे आने के लिए या वहां पर जिंदा रहने के लिए कोई शर्त है? मैं बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान में जो अपर हाउस है उसको परसों 2 दिन या 3 दिन पहले कृष्णा कुमारी खातून जो है हिंदू खातून है उन्होंने हेड किया पूरी प्रोसीडिंग्स को जी। आपने एक हिंदू टीचर का मामला उठा लिया जिसकी तफसील का आपको नहीं पता जी। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि जो गलत गलत है वो मुसलमान करे, मैं उसको भी गलत कहने को तैयार हूं, जो हिंदू करे मैं उसको भी गलत कहने के लिए तैयार हूं। मैं यहां पे एक ट्वीट लिख के बैठा हुआ हूं शाम से। ये जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि अगर आपने हमें वोट ना दिया तो ये भी जो उत्तर प्रदेश है ये भी कश्मीर बन जाएगा, मगरबी बंगाल बन जाएगा और केरला बन जाएगा। खौफे खुदा करे, ये किस ये कौन सा आर्गुमेंट है जो वोट लेने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? कश्मीर के हवाले से अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो पाकिस्तान वाले हैं वो अपने जो मिनोरिटीज हैं उनका ख्याल नहीं रखते। डॉक्टर साहब, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और जितने दिनों से हो रहा है, अगर आप इतने ही अच्छे और सच्चे हैं तो उस पर भी आवाज उठाएं। आपने सिर्फ कश्मीर में रहने वाले लोगों को अलग करके रख दिया है। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों का खुद ख्याल करेंगे तो बाकी सारे लोग भी ठीक रहेंगे। आप पाकिस्तान की फिक्र छोड़ दें, मैं इंडिया की फिक्र छोड़ दूं, लेकिन मैं इंसानों की फिक्र नहीं छोड़ सकता। मेरा प्रॉब्लम या मेरा मसला ये है कि इंसान कहीं का भी हो मुझे उसके लिए प्रॉब्लम होती रहेगी। अगर आप मुझे ये कहें कि फलां जगह पे हिंदू अकलियत के साथ जो है वो मुनासिब सलूक नहीं हो रहा, तो मैं आपके साथ हूं और इसका हिंदू या मुसलमान होने से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं आपको स्पेस देता हूं तो आपको भी मुझे उतनी ही स्पेस देनी है। बिल्कुल, हमेशा आपका स्वागत है फारूकी साहब। आपको हम याद भी इसीलिए करते हैं क्योंकि आप हमेशा सत्य के प्रति आग्रही रहे हैं और हम इस विषय पर विमर्श कर रहे हैं, लोग किस दृष्टि से सोच रहे हैं और आपके माध्यम से ही तो तथ्य आ रहे हैं जो आप हमारे साथ साया कर रहे हैं। जवाहर यादव जी कुछ हस्तक्षेप लेना करना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं फिर आखिरी बातचीत के लिए राकेश पाठक जी के पास चलेंगे। जी जवाहर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं फारूकी साहब से बिल्कुल सहमत हूं। अब टीवी डिबेट के बाद ये तुरंत एक झंडा बुलंद करेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर में जिस तरह से उन कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, उनके उसकी आवाज उठाएंगे। मैं मानता हूं आप इंसान हैं और आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने नाजायज भारत के भूमि पे कब्जा कर रखा है और वहां मानव उत्पीड़न होता है। आप इस मुहिम में जुटिए, हम आपका साथ देंगे क्योंकि आप तो मानवतावादी हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप अब सीधा इमरान खान से लड़ेंगे कि पाकिस्तान को जो कश्मीर है उसको मुक्त कीजिए और लोगों को उनके अनुसार रहने दीजिए, उनके अनुसार रहने दीजिए, ये कहना है जवाहर यादव जी का। लेकिन मैं अभी
कश्मीर पर नहीं उलझना चाहता फारूकी साहब से, अभी हमारा जो विषय है वो उस पर रहना चाहते हैं जिसमें मुसलमानों में महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंता की जा रही है। उस बिंदु पर बात करें जिसके तहत सरकार के आंकड़े हैं कि कुल आबादी की 3% कॉलेज स्तर पर पहुंच रही है, महिलाएं 100 में से एक जा रही हैं, और उस पर भी अब संकट है क्योंकि इस प्रकार के अगर विवाद होंगे तो निश्चित रूप से उन कोशिशों को धक्का लगेगा, जवाहर यादव जी, जो स्वयं आपकी सरकार का अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास आना चाहता हूँ और राकेश पाठक जी आपसे समझना चाहता हूँ कि कुल मिला के इस मसले का समाधान तक तो पहुँचना है, अदालती फरमान भी अगर समाधान है तो फरमान पड़ा तो है, और वो फरमान किसी और ने नहीं दिया था, केरल के जो जज थे वो भी मुसलमान ही थे, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय हो और एक संस्थान का विषय हो तो संस्थान के अधिकार को तवज्जो मिलनी चाहिए, व्यक्ति से मुकाबले संस्था बड़ी है, क्या कहते हैं आप? इसके बावजूद भी तो द्वंद में फंसे हैं। मैं बहुत साफ ये कहना चाहता हूँ, पहले फारूकी साहब को जवाब दे दूं। फारूकी साहब माफी चाह रहा हूँ, आपको कुछ गलत फहमी हुई, मैं भी मेरे मोर्चे का नाम इंसानियत के सिपाही, दुनिया के किसी कोने में किसी औरत किसी आदमी पर जुल्म होगा तो मैं उसके हक में आवाज उठाऊंगा। आप मेरा लिखा और बोला हुआ मेरे फेसबुक और मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, हम अंतर्राष्ट्रीय विषय इसको नहीं बनाना चाहते जी। हिमांशु जी, इसका हल ये है, इसका रास्ता ये है कि समाज अपने भीतर से समरसता के रस में से इसका रास्ता निकाले। अदालती फैसलों का हश्र किस तरह हो रहा है हम पिछले दिनों में देख चुके हैं। अपनी बात का समापन मैं यहां करना चाहता हूं कि किसी भी संस्था में ड्रेस कोड अनुशासन लागू करने की जिम्मेदारी संस्था की ही है जी। मैंने जो गुंडे शब्द बोला था उसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इस सभ्य समाज में एक अकेली लड़की को अगर 20-25-100-200 लड़के, वो किसी भी धर्म की हो किसी भी मजहब की हो, अगर एक अकेली हिंदू लड़की होती और ये जाली वाली टोपी लगाए अगर मुसलमान लड़के उसको घेरे होते तब भी मैं उन्हें गुंडे ही कहता। सभ्य समाज में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अंतिम बात कहकर मैं समापन कर रहा हूं जी। जवाहर यादव जी के साथ दिक्कत ये है, हमारे मित्र ये इतने कंफ्यूज हैं कि आज 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अवध प्रांत के संचालक जी। श्री अनिल सिंह ने सुबह अयोध्या में बैठकर बयान दिया कि हम पर्दा और हिजाब के पक्ष में है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वो लड़की हमारी बेटी है, बीबी मुस्कान खान हमारी बहन है। उन्होंने उपद्रव करने वालों को खुद ही कहा है कि ये उपद्रवी हैं, असामाजिक तत्व हैं, इन पर कार्रवाई की जाए, जिन्होंने उस लड़की को घेरा था। इंद्रेश कुमार जी कुछ कहते हैं, अनिल सिंह जी कुछ कहते हैं, असल में एजेंडा जो था कि किसी तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए समाज का, मैं उससे असहमत हूं, सिर्फ इतनी सी बात है। महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कोट की है वही दरअसल समाधान है। असल में इस प्रकार के तनावों का समाधान ना तो सरकारी फरमान से निकल सकता है ना अदालती आदेश से, कुल मिलाकर एक सभ्य समाज ही रास्ता निकालता है। बेहतर होगा सभ्य समाज भारत के संदर्भ में इस चुनौती को समझे जो सरकार का अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटी को बचाने के लिए भी तरस रहे हैं, पढ़ाने के लिए भी तरस रहे हैं, और जो बेटी पढ़ने के लिए आ रही है उसे जबरिया प्रतिबंधों में उलझा रहे हैं। बेहतर होगा कि हम इन चीज़ों में उलझने के स्थान पर कोशिश ये करें कि जो बेटियां घर की दहलीज से बाहर नहीं आ पा रही हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों को नहीं देख पा रही हैं, उसके संदर्भ में ये तमाम राजनीतिक दल अभियान चलाएं, उसमें अपनी ताकत लगाएं, तो इस मुल्क का भी भला करेंगे, अपने दल का भी भला करेंगे। उम्मीद है आने वाले समय में इस बदलाव को हम देख पाएंगे। 10 मार्च बहुत दूर नहीं है, चुनाव 10 मार्च तक खत्म हो जाएंगे, सारे सियासी दलों के बाद फुर्सत हो जाएगी। उम्मीद करते हैं उस समय पर शायद वो ऐसे कदम उठाएं जो इस देश का और समाज का कुछ भला कर पाए। बहरहाल आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार की बातचीत इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हुई उसके आधार पर ही ये शेर है, इस पूरे वाक्यात को समर्पित, जो ये कहता है कि मेरे जनाजे पे अब आते शर्म आती है, कि मेरे जनाजे पे अब शर्म आते शर्म आती है, हलाल करने को बैठे थे जब हिजाब ना था। अमीर मीनाई ने समाज की बेशर्मी को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है ना वो इससे जुदा नहीं है। बेहतर होगा हम इसे बदलने की कोशिश करें, और सरकार और अदालत से जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम ही कुछ ऐसा करें जिस पर आने वाली पीढ़ी हम पे गर्व कर सकें। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? विचार कीजिए और मुझको इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।